हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं ब्रेड का मिठाई बनाने जा रही हूँ, जिसमें चार ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़े समय में 1 कप के लगभग मैं चीनी ली हूँ चाशनी के लिए। चिरौंजी है, थोड़ा सा चिरौंजी, नारियल का बुरादा। तो चलिए मैं अभी से बनाने चलती हूँ। आप देख सकते हैं 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी मैंने लिए हैं। आप इसी तरह का ले, इतना ही ले ले जितना पानी चीनी ले उसका हाफ ग्लास के लगभग हाफ पानी ले। आप देख सकते हैं इतना ही पानी का लेकिन इसमें चाशनी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी ही चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं चाहिए। देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग ऊपर से हाफ कप के लगभग आप पानी डालें। इसको चलाते रहे जब तक चीनी गले नहीं, तेज फ्लेम मत रखा करें। बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी इसे। अभी ये गर्म हो रहा है, तब तक मैं इधर ब्रेड को मैं कैसे कट करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि राउंड शेप में मैं ग्लास की सहायता ले ले या कटर की। अगर आपके पास कटर अवेलेबल है तो आप कटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कटर ना हो तो घबराने के बाद आप ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। आप जिस साइज़ का चाहें उस साइज़ का आप इसे रख सकते हैं। देखिए राउंड शेप में कट चुका है, मैं दूसरे को भी इसी तरह कट कर लूँगी। देख सकते हैं हल्का सा हाथ का प्रेस करेंगे ये अपने आप निकल जाएगा, टूटेगा भी नहीं। और मैं ये छोटे वाले ढक्कन का यूज कर रही हूँ। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होता है, खासकर बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। देखिए ये भी निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाते हैं, प्रेस ना ज़्यादा डालें। आप देख सकते हैं चाशनी पूरी तरह से बन चुकी है। इसी तरह की मुझे चाशनी चाहिए, हल्का हल्का सा चिपचिपा। अब मैं इसे बंद करूँगी। देख सकते हैं हल्का सा गर्म है, इसी में आप इसको डालते जाए, ऐसे इस तरह से डालें, एक एक करके इसको डालें, फिर इसको पलटे इस तरफ से, ऐसे इसको उठाइए, चिमटी के सहारे आप पलट लें। देख सकते हैं इसी तरह मैं नेक्स्ट पीस को भी डाल करके आप लोग को दिखाती हूँ। निकला था पीस छोटा छोटा कटिंग के बाद, उसको भी आप इसी में ऐसे ही डुबो डुबो करके निकालते जाए, अधिक देर ना रखें, नहीं तो नरम हो जाएगा तो टेस्ट हो जाएगी। और गर्मा गर्म इसे डेकोरेट कर ले चिरौंजी से। चिरौंजी डाल सकते हैं आप, किशमिश भी डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं किशमिश का आदि से। या आप अधिक देर इसको रख करके मत खाएं, इसे तुरंत गर्मा गर्म ही सर्व करें तो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। नारियल की बुरादा से इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। लीजिए 2 से 3 मिनट में बनने वाली मिठाई तैयार है। आप लोग भी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, और कैसा बना उसे शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।